थोड़ा धीरे करो ना विकास बात। हेलो, कहाँ रहते हैं आप? बड़ौदावास। बड़ौदावास में? अच्छा, इधर आसपास में ही? हाँ। इधर कहाँ घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं, काम धंधा नहीं है, क्या करते? अच्छा, कोई काम वाम नहीं करते? क्यों? कंपनी में लेता हूँ, हैंडी करते हैं। अच्छा, और कौन कौन है घर में आपके? मेरा मिसेज है, चार बच्चे हैं। मैं थोड़ा आपसे उतर के बातचीत करूं? हाँ कीजिए। घबराइएगा मत, हम लोग ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं ना। ठीक है, इधर थोड़ा साइड में आ जाइए। क्या नाम है आपका? बबलू तिवारी। बबलू तिवारी? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे मतलब कहाँ के रहने वाले मेन? मैं यूपी से, इलाहाबाद से। यूपी? हाँ। तो यहाँ सूरत कैसे आ गए आप? लड़के लोग का साथ में आए थे कि कुछ काम धंधा करेंगे हम भी, लेकिन कोई काम नहीं मिला, घूम रहा हूँ, क्या करूँ। अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है आपके अलावा? मेरा परिवार में मेरा मिसेज हैं और चार बच्चे हैं। आपके मिसेज हैं, चार बच्चे हैं? हाँ। तो कहाँ हैं वो लोग? मिसेज अपने माँ का घर में, उनको छोड़ा हूँ, वो भी पैर से विकलांग थे। अच्छा, आपकी मिसेज भी विकलांग है? हाँ। अच्छा, ये आपके शरीर पे ये क्या हो गया, दाना दाना? ये माता जी निकल गया था, इसका पहले हाथ टूटा था, उसका बाद में माता जी निकला, उसका बाद में ये खोलिया गया था। ये क्या हुआ है? थोड़ा हो गया है बाल टूट, जिसको बोला। अच्छा अच्छा, कैसे हो गया? बाल टूट गया होगा बैसाखी लगाने से। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आपको देखा कि आप ऐसे जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा आपसे बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग डिसेबल लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो कोई भी ऐसे अगर डिसेबल व्यक्ति होते तो हम एक बार उनसे जाके बातचीत करते हैं। तो आप मतलब इससे अभी आपका घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है? तो भगवान का पेट दिया है तो कैसे हाल से खाना खा लेता है। तो वो सही है, लेकिन कुछ भी आपका इनकम का कुछ साधन, मतलब अभी चलिए हम आपसे अभी मिले हैं, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं एक जगह पान का डब्बा चलाता था। अच्छा, और उसी में चाय नाश्ता सब कुछ अपना रखा था। हाँ, क्या हुआ फिर? और जगह पर सेल नहीं हो रहा था, नहीं बेच पा रहे थे, नहीं उतना ग्राहक नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर आपका दुकान कहाँ गया? दुकान गांव में, गांव में किया। अच्छा, गांव में किए थे ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आप यहाँ सूरत आए? सूरत आए। तो यहाँ पे कभी कोई कंपनी वगैरह में काम करने की कोशिश की आपने? गया था एक दो कंपनी में, काम नहीं कर पाया, 12 घंटा खड़ा होने से मेरा पैर में सूजन आ जाती है, ये पैर जो खराब है इसमें सूजन आ जाती है। क्या मतलब आपको पोलियो का है क्या? पोलियो का। बचपन से? बचपन से नहीं है, 5 साल का था तो पोलियो मार दिया था। 5 साल की उम्र में? ठीक है, चलिए। आप अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले आप दुकान चलाते थे, तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो तो आप कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा? तो आपके पास दुकान चलाने या लगाने के लिए कुछ है, पूंजी है? पूंजी नहीं, सोच के आया था कि कुछ कमा के करके कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाया। चार बच्चे को पेट पालना, बीवी भी अबाई से उनका भी पेट पालना, एक मैं क्या क्या करूँ। समझ सकता हूँ, माँ बाप भी नहीं है, कोई है नहीं आगे पीछे कोई, ये काम। ठीक है, चलिए। अगर मान लीजिए हम लोग आपको कुछ करें, सपोर्ट करें, हाँ, तो आप उसको आगे चला पाओगे? आगे चला लेंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ आइए। आपसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगा, तो मैं पहले तो आपके घर पे चलूँगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो बात मैं थोड़ा जाके देखना चाहूँगा आपके घर पे, कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, फिर हम लोग आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे साथ, ये हमारी गाड़ी है। अच्छा, ठीक है, ठीक, आइए आइए। बैठ जाइए आराम से, अभी आपके घर चलेंगे, आप मुझे बताइए कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, थीके?
यहीं पे रहते हैं आप? पंखा उनका क्यों खोल दिया? बिगड़ गया उसका। हाँ बिगड़ गया है। तो अभी आपके इसमें लाइट जलता है? अच्छा, पंखा नहीं है यहाँ पे, कैसे सोते हैं आप? खिड़की खोल के सो जाते हैं? चलिए ठीक है तिवारी जी, हम लोग चलते हैं। ठीक है, मैं बस देखना चाहता था, आप जो बोल रहे थे सब कुछ सही में है। आपके घर की स्थिति देख के भी लग रहा है, बिना पंखे आप इतनी गर्मी में यहाँ रह रहे हैं और घर में कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है। तो आप मेरे साथ चलिए, हम लोग आपकी जो एक थोड़ी सी मदद करना चाहेंगे। हाँ। ठीक है, ताकि आप मेहनती हैं, थोड़ा चल फिर भी सकते हैं, तो आप कुछ कर सकें लाइफ में आगे। ठीक है, ऐसी हम एक थोड़ी सी कोशिश करेंगे जिससे क्या है कि आपके लाइफ में बदलाव आ सके और अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। जिन्हें आपने मायके भेजा हुआ है तो उनको ला के संभालें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो जिम्मेदारी है। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा सहयोग करेंगे, बाकी आपके ऊपर है। थोड़ा सहयोग मिल जाएगा बस, ऊपर वाला का ये हो तो आगे निकालिए। आगे तो निकालिए, ऐसा नहीं कर लेंगे आगे। हाँ, इनके ये मैडम का जितना हो चुकी है। अच्छा, 17 साल की लड़की है आपकी, आगे साल शादी करना। चलिए हो जाएगा, ईश्वर चाहेगा शादी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप मेहनत करोगे, देखिए आपको एक जरिया मिलेगा, और मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छा जरिया मिलेगा। अच्छा। और आप उससे सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपके ऊपर है कि आप कितने लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। तिवारी जी। हाँ जी, अभी हम लोग चल रहे हैं। हाँ। आपके जो रोजगार वगैरह उसके इंतजाम के लिए। हाँ। ठीक है। हाँ। और बाकी आपके चलने के लिए हम सोच रहे हैं कि आपको ट्राइसाइकल दिलवा दें। और साइकिल मैं नहीं चला पाता। अच्छा, ट्राइसाइकल आपसे नहीं चलता है? नहीं चलता है, मैं दूसरे का साइकिल पर ट्राई किया था, नहीं चला पाया। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको हम दुकान की मदद करें। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोग आपको जो है अभी एक रोजगार के लिए, जो जैसा हमने कहा है। हाँ। उसके लिए कुछ करते हैं कि जो काम आप कर पाओ उसी मुताबिक हम लोग करते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। क्या काम कर सकते हैं आप? मैं नाश्ता उस्ता का दुकान लगा सकता हूँ, नाश्ता बिमल गुटका सब कुछ रख सकता हूँ। अच्छा, नाश्ता आप बना लेते हैं? बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? समोसा, कचौड़ी, छोला, ये सब बनाते हैं। अच्छा, पहले बनाया कभी? बनाया। चलिए कोई बात नहीं, तो जो आपको अच्छा लगे, आपको बिजनेस करना है तो आपके हिसाब से ही हम लोग वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। हो गया भैया सारा सामान? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल बना लें।
जाएगा। ठीक है तिवारी जी, जैसा हमने कहा था आपके रोजगार के लिए, और आपने कहा कि आपको सब सामान वगैरह बनाना आता है, नाश्ता समोसा जो भी है जी, तो उस हिसाब से हमने ये दुकान का सेटअप किया है। ठीक है, आपने जो जो सामान होता है एक टाइम का नाश्ता बनाने का वो सारा इसमें आ गया है, और जो भी बर्तन है वो सब आ गया है। तो बस अब आपको मेहनत करना है। आप जो निराश घूम रहे थे और निराश थे कि मुझे कैसे करूँ, पूंजी नहीं है मेरे पास, काम करने का जगह नहीं है, तो अभी आपकी ये समस्या दूर हो गई है। अब आपको करना है मेहनत। अब हमको मेहनत करना है। ये आप लोग हमको इतना साथ दिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा खुशी मिलेगा मैं सोच भी नहीं पा रहा था। अब आगे क्या, चले ये तो ईश्वर करता है, हम लोग बस एक माध्यम है। और अगर ईश्वर ने हमें भेजा है, भगवान ने हमें भेजा है, तो किसी न किसी माध्यम से वो हमारे दुख का समाधान भी ढूंढता है। जैसे हर दुख का एक अंत होता है, एक समय होता है, और आदमी मेहनत से ही उसको ख़त्म कर सकता है। तो आज अगर आपको एक मेहनत करने का जरिया मिला है, तो इससे आपको मेहनत करना है और अपने अच्छे दिन को लाना है। बहुत ऐसे दिव्यांग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो दिव्यांगता के बाद भी अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें बहुत ऐसे भी हैं जो दिव्यांगता का फ़ायदा उठा के भीख मांग रहे हैं, और ऐसे कामों में कि मेरे से तो, मैं तो दिव्यांग हूँ। तो आपको चुनना है कि आपको कौन सा रास्ता पसंद करना है, स्वाभिमान का या किस चीज़ का। हमको मेहनत का, स्वाभिमान का रास्ता पसंद करना है, है ना। हाँ, बस इस दुकान को आगे बढ़ाना। और ये जो दुकान है आपको, ये अपने दहिया भाई जो है अम्बालाल पटेल, स्वर्गीय दहिया भाई अम्बालाल पटेल, उनके मेमोरी में आपको दिया गया है। उनके वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैमिली वालों की तरफ से उनके मेमोरी में आपको ये दुकान दिया गया है। और ऐसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम आप लोगों की मदद कर पाते हैं और आगे भी लोगों की मदद कर पाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हमको बढ़ाना है, अब हमको मेहनत करना है। ऐसी मदद कभी नहीं मिला है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, और इससे आगे बढ़िए। और हमारा एक मकसद होता है, खासकर हम लोग जो दिव्यांग लोगों के लिए मदद करते हैं, उसमें ये रहता है कि उन्हें कोई काम रोजगार पे नहीं रखता है, उन्हें कोई अपने पास नौकरी नहीं देता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि चलो उनके पास हौसला होता है और काम करने का एक जुनून। क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग ऐसे ठोकर खाए हुए रहते हैं और ज़िंदगी में काफ़ी हारे रहते हैं, अगर उनको एक मौका मिले तो वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो समझिए, ईश्वर ने आपको और ये दहिया भाई अम्बालाल के जो मेमोरी में उनके फैमिली वालों ने, समझो, आपको एक मौका दिया है, और इस मौके को आपको सही साबित करना, इस दुकान को आगे बढ़ाना है, ताकि हम अगर दूसरी बार रिव्यू लेने आए, हम एक टाइम के बाद आते भी हैं और देखते भी हैं क्या प्रगति है, तो हमें एक अच्छा सा रिजल्ट मिलना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिले कि नहीं, हमारा जो मदद है या लोगों का जो मदद है वो एकदम सार्थक जगह पर जा रहा है, है ना। तो बस हौसले से आपको आगे काम करना है। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, है ना। आगे मेहनत कीजिए और आगे आप बढ़िए, सब ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे हैं, सबका शादी करना है, और जो भी आपके सपने हैं सब पूरे हो जाएंगे। भगवान, समझिए, आपको एक रोजगार का जरिया दिया, इसमें अब आपको वन टाइम का सामान है, आगे बढ़ाते रहना है और धंधे को आगे ले जाना है। मेरे लाइक कभी भी कुछ काम हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नमस्कार। पाँच का सब जगह जो रहता है वही रहता है।